अरे साथ है 28 अक्टूबर की टीम भाई, हो के नहीं साथ में? काय की क्लास थी हमारी अभी? शॉर्टिंग सारी निकली हमारी? कोई सा सेट बचे क्या? एक एक सेट बनाया हमने। हाँ सर। शॉर्टिंग निकाली? हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत शॉर्टिंग में? नहीं सर। शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग लीकेज में? नहीं सर। अच्छा ये बताओ, हमने जो हमारा डेड सेक्शन हुआ था देवरतन अग्रवाल सर के साथ में, तो देवरतन अग्रवाल सर कितने हैंडसेट पे डायग्नोस किया था हमने? 80 हैंडसेट। कम होते हैं क्या? नहीं सर। देख देख के क्या हो गए थे? थक गए थे? हाँ सर। एक एक शॉट का आपको क्लियर करा उसके अंदर। उसकी बदौलत यह है कि आपके पास अभी के तारीख में, आज की तारीख में कोई भी सेट बाकी है क्या तुम्हारा? आप शॉट हो, बुल शॉट हो, लीकेज हो, बाकी है क्या? नहीं सर, बाकी नहीं है। तो जो हमारी शॉटिंग का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, थोड़ा बताइए। बहुत बढ़िया रहा, मतलब सीरियल वाइज बताइए थोड़ा सा, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक हम शॉटिंग हैंडसेट की क्यों निकाल पा रहे? क्योंकि हमने सारे सेक्शंस सीख लिए। हमने शुरुआत कहाँ से की? हमने कंपोनेंट से शुरुआत की, आईसी से शुरुआत की, शॉटिंग क्या होती है बेसिक से शुरुआत की, उसके बाद हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। थोड़ा आप बताइए। हाँ सर, बताइए आप। कंपोनेंट्स की नॉलेज नहीं होता तो सर ये सब नहीं होता। अच्छा, अगर आप हमको एक आईसीयू का नॉलेज होता तो उसके बिना हम कर सकते थे क्या? हमको ये नॉलेज है ना कि हमारा पीएफओ कौन सा है, हमारी है ना डीसी टू डीसी आईसी कौन सी, हमारी पीएम तक जानकारी नहीं होगा सर आईसीयू के बारे में, तब तक कुछ काम नहीं हो सकता। कुछ काम नहीं हो सकता, हमारे हमारे पीएम को कौन वोल्टेज दे रहा है ना, है ना? निकालना लगाना ही हो सकता है। निकालना लगाना ही हो सकता है। निकालना लगाने वाला इंसान कभी डेड सेक्शन बना सकता है? सारे लोग डेड सेक्शन में इसलिए फंसते हैं कि रीजन है कि उनको पीसीबी का नॉलेज नहीं होता है ना। और अगर हमने अगर लगभग सारी आईसी अगर उतार देते, अगर उसके बाद भी हमारी शॉर्टिंग नहीं आती तो क्या होता है? इंटरनली शॉर्ट होता है, या फिर बोर्ड हमारा क्या होता है, वाटर डैमेज होता है, जिसमें पानी लगने के कारण हमारा जो सरफेस है वो ग्राउंड हो जाता है, अंदर से इंटरनली जंग लग जाता है, उससे इंटरनली ग्राउंड हो जाता है। यहाँ बोर्ड हमारा जो गिरा हुआ हैंडसेट आता है टेम्पर्ड होता है बोर्ड, उसके कारण टेम्पर्ड हैंडसेट की हम शॉर्टिंग नहीं निकाल सकते। रीजन है कि वो पीसीबी के अंदर जो लेयर होती है वो हमारी शॉर्ट होती है। अभी ये बताइए मेरे को कि अभी की क्लास में, रनिंग क्लास में अभी कितने शॉर्टिंग निकाली बताइए? शॉर्टिंग किसने निकाली अभी? यहाँ पे मेरे सामने माइक्रोस्कोप पे खड़े होकर कितने निकाली बताइए? नाम अपना? विशाल सर। विशाल कहाँ से हो आप? नेपाल से। नेपाल से शॉर्टिंग निकाली आपने? कितना टाइम लगा आपको निकालने में? 5 मिनट। 5 मिनट लगा आपको? थोड़ा तेज बोलिए भाई। निकाली कि नहीं निकाली शॉर्टिंग? निकाली ना। यस सर। तो कोई सा भी ऐसा स्टूडेंट जो अभी शॉर्टिंग निकाल सकता हो, प्राइमरी हो चाहे बात करूं सेकेंडरी शॉर्टिंग की, किसी को कोई दिक्कत है क्या प्राइमरी और सेकेंडरी शॉर्टिंग में? कोई भी डाउट है, दिक्कत है क्या इसके अंदर? यहाँ उसको पूरी आईसीयू का ब्लॉक डायग्राम समझ में नहीं आया शुरू से लेके आखिरी तक अभी तक, ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या? नहीं सर। है ना, कौन सी आईसीयू पे कितने वोल्टेज आना, सबका चीज क्लियर है ना? हां सर। चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे देव सर के लिए आप? थैंक यू सर। क्या नॉलेज, मतलब क्या नॉलेज दिया आपको कि डेड सेक्शन आपका इतना हो गया? आपको एमपीए की रीडिंग आ रही है अभी? जी सर। आपको मालूम है कि आपका हैंडसेट में प्रॉब्लम का ऐसे है, डायग्नोस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? जी सर। मतलब आपको ये मालूम पड़ पा रहा है कि आपका हैंडसेट अभी की स्थिति में हमारे में ईएमसी में प्रॉब्लम है, ये सॉफ्टवेयर डायग्नोस में सभी परफेक्ट हो चुके हैं, डीसी रीडिंग देख के सब बता देंगे कि सेट में कहां से। अच्छा, क्या तुम खाली आप अपनी बात बोल रहे हो कि पूरी क्लास की बात बोल रहे हो? हाँ, सर पूरी क्लास कर पाएगी? पूरी क्लास कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? सर करके बताओ मुझे, कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? कर पाएंगे सर। कर पाएंगे? हाँ सर। ये पूरी क्लास है भाई सामने। जी सर। पहले तो सर पोर्ट भी चेक नहीं करते थे, अभी पोर्ट भी चेक करेंगे। पोर्ट भी चेक करेंगे, और ये भी हमको मालूम है पोर्ट हमारा किस किस जगहों से बनता है। जी सर। ठीक है, पहले निकालते ही हीट लगाना चालू है। तो मेरे भाई ये बताओ मेरे को, जो तुम अपने साथ में इतने डेड हैंडसेट लाए थे, तो तुमको अभी देख के संतुष्टि लग रही कि नहीं लग रही है आपको? क्या आप हर बंदा जाके काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? सकता है। हर बंदा कर सकता है ना? यस सर। कोई ऐसा बंदा तो नहीं है, बात करूं फ्रेशर की, बात करूं एक्सपीरियंस होल्डर की, कोई ऐसा बंदा तो नहीं है ना? नहीं सर। है ना, जो काम करने में असमर्थ हो आज की तारीख में? नो सर। नहीं सर, कोई ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
अक्टूबर की बैच यस सर। एक ही नहीं भाई यस सर। कैसी रही हमारी क्लास? बात करें हम 28 तारीख से आज तक का बहुत हमारी डेट सेक्शन जो हमारा चला है 12 तारीख से लेके आज 15 तारीख तक डेट सेक्शन चला है। डेट सेक्शन में कोई कंफ्यूजन है क्या? एक एक चीज क्लियर हुआ है आपका? 80 हैंडसेट डॉग्रोस करने के बाद कोई चीज रहती है क्या? नहीं सर। एक एक बच्चे का क्लियर है ना? हाँ सर। सुशांत बताइए क्लियर है कि नहीं है? पूरा क्लियर है सर। राजकुमार बताइए क्लियर है? जी सर बहुत अच्छा क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। थोड़ा क्लियर करके क्लियर करो ना। राजकुमार आइए, लाइव है पूरा। राजकुमार मतलब जो डेट सेक्शन आप काफी समय से काम कर रहे हो इस फील्ड में, अगर देखा जाए तो अभी आप यहाँ पर अपडेट होने आए थे, तो अपडेट आपके साथ में फ्रेशर बच्चे भी है, काम करने वाले भी हैं, 8 साल 10 साल से काम करने वाले भी है। बेसिकली इनको लाइनों का एक्सपीरियंस नहीं था, शॉर्टिंग निकालने का तरीका नहीं था, तो बताइए कैसा अनुभव रहा जो आपका डेट सेक्शन का जो सारा कुछ पढ़ाया उसका अनुभव कैसा रहा यहाँ का? सर डेट सेक्शन में पहले मालूम था, थोड़ी इतनी मालूम नहीं थी, इतना डीप में जाना पड़ता है। कौन कौन सी लाइनें होती है हमारे पास? हाँ। तो वो सारा लाइनों का नॉलेज है ना, किस जगह कितना वोल्टेज देना है हमको, साधारण तरीका मिल गया, सरल तरीका मिल गया, साधारण तरीका मिल गया। साधारण तरीके से हम किसी भी हैंडसेट को डायग्नोज करके उसके निकाल सकते हैं। तो हमको डीसी की रीडिंग भी मालूम हुई है, मल्टीमीटर की रीडिंग भी मालूम हुई है, है ना, हर चीज क्लियर हुआ है हमारा, है ना, कौन से सेक्शन में कब काम करना है ये मालूम हुआ है हमको। हमारा जो लेट होता था काम का वो अभी क्विक हो जाएगा, और 2-3 सेकंड में हम पता लग सकते हैं कहाँ फॉल्ट हमारा है। भानु ये भी काफी समय से काम कर रहे थे, भानु आ गया ही। मानो क्या एक्सपीरियंस रहा भाई आपका? अच्छा रहा। अच्छा रहा। और इसके बाद मतलब अभी तुमको ऐसा लग रहा है कोई सेट में फंसोगे तुम? नहीं बात रही अपन शॉर्टिंग माइनर शॉर्टिंग लीकेज सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। हमारे साथ एक और एक अनुभवी हैं, काफी समय से अपना इलेक्ट्रॉनिक में इन्होंने योगदान दिया है, कुछ समय से इनकी शॉप ऑफ थी किसी कारणवश, डबल से बाकी रिनोवेट करके वो नए तरीके से काम करने जा रहे हैं, तो बताइए कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मतलब बेसिकली बात आपकी करूं, ये पूरे अगर बच्चों की बात करूं तो हर बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे अभी कोई मतलब ऐसे नहीं कह सकता कि मैं फ्रेशर हूँ, ये चीज नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। इसके लिए जो मेन लीड किया है आपको, हार्डवेयर को लीड किया, मेन लीड किया है मिस्टर देवरतन अग्रवाल देव सर ने, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? सर जो उनका पढ़ाने का तरीका है ना, तो मतलब बच्चा भी सीख सकता है, बड़ा भी सीख सकता है, जिसको नॉलेज है वो ज्यादा गेन कर लेगा, जिसको नहीं नॉलेज है वो शुरू से मतलब एक हाई लेवल तक गेन कर सकता है, बराबर कर सकता है। अच्छा तो एक थोड़ा हमारा थोड़ा सा थीम पे बताइए कि जो ऐसे टेलीकॉम की थीम है पहले दिन से तो वो थीम कैसी लगी आपको? वो थीम मैं बताना चाहूंगा कि पहले थोड़ा ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट है। स्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि कुछ बच्चे जैसे थोड़े आजाद परिंदे होते हैं ना, तो वो समझते हैं कि हम कैद में हैं, लेकिन वो कैद में नहीं होते हैं, असल में वो एक डिसिप्लिन है जी। डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे। डिसिप्लिन के लिए ऐसा होता है कि टीचर के कंधे पर हाथ रख के हम नहीं सीख सकते जी, जी। एक डिसिप्लिन का दायरा होता है, वो दायरे के अंदर अगर हम चलेंगे तो ये चीज अच्छी है कि नहीं है? नहीं अच्छी है सर। नहीं और बात करें हम पढ़ाई की, तो पहले दिन कंपोनेंट पढ़ाना सही है कि मतलब डायरेक्ट बता देना सही है, बताइए आप मेरे को। नहीं वो बच्चे को सर पहले तो हाथ में लेके घूमना पड़ता है, फिर वो नीचे जमीन पे रेंगता है, उड़ता है, जैसे भी जो भी करता है, उसके बाद ही खड़ा होकर चल पाता है ना, है ना। तो बेसिक तो जरूरी है, अगर उसे पहले दिन से उंगली पकड़ के खड़ा कर दोगे तो वो बार बार गिरेगा, चोट खाएगा। बेसिक दिया है, बेसिक देने के बाद जो कुछ बच्चों ने अच्छा गेन किया है, कुछ थोड़ा कम करते हैं क्योंकि उनका अपना
हर का अपना दिमाग होता है, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए रहता है, टाइम चाहिए होता है ना। हाँ। एक स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा 100 में से 100 नहीं लाता, कोई 60 भी लाता है, कोई 33 भी लाता है, कोई 98 भी लाता है, कोई 99 भी लाता है, है ना। तो ऐसा स्टेज रहता है। और हमारे साथ बिल्कुल एक फ्रेशर बच्चे हैं, एक इनका नाम इसामुद्दीन। आप इस फील्ड में बिल्कुल बिल्कुल नए थे, बिल्कुल नए थे, तो आज नए हो गया? नहीं सर, आज नया। मैं तुमको कोई सी भी पीसी भी दूंगा तो तुम सेक्शन वाइज सारा पहचान सकते हो, वोल्टेज पहचान सकते हो, कंपोनेंट पहचान सकते हो, रिबॉलिंग कर सकते हो, सीपीयू को यूनिवर्सल से रिबॉलिंग कर सकते हो, लगा के चालू कर सकते हो। हाँ सर, एकदम। और मैं कोई सी भी आपको माइनर लीकेज या हाफ शॉटिंग फुल शॉटिंग अगर दूं आपको तो निकाल सकते हो, एकदम निकाल सकते हो सर। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे मतलब कितने लोग हैं, 5 साल से काम करते हैं, 10 साल से काम करते हैं, लेकिन अभी मतलब सब लोग क्लास ज्वाइन किए और हम भी क्लास ज्वाइन किए हैं, लेकिन अभी मतलब हमको किसी के भी साथ में खड़ा कर दो, मतलब सबके बराबर में है। चलो मतलब कॉन्फिडेंस के लिए इसके लिए जोरदार ताली। कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा। तोशिब नाम है इनका, महाराष्ट्र से हैं ये। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा। जो पहले जो मतलब जो मोबाइल के अंदर हम, तुम इस फील्ड में कब से थे? ये फील्ड में कम से कम 7 साल। 7 साल से थे फील्ड में। तो बात करें अपन 7 साल की, और बात करें अभी 19 दिन, अभी 19 दिन हार्डवेयर को हो गए हमारे, 19 दिन हुए हार्डवेयर को, है ना। उसकी बात करें हम तो मतलब क्या फर्क है मेरा भाई, 28 तारीख से क्लास ज्वाइन किया, 27 से स्टार्ट कर दिया था हम, 28 से मानते हैं क्लास को, बाकी चालू हमने 27 तारीख से कर दिया था, तो आज 15 तारीख है, तो क्या क्या फर्क है तुम्हारा तुम्हारे में? पहले जो नॉलेज था वो अभी तो पहले के नॉलेज ही अभी का पूरा 100% पहले हार्डवेयर के लिए तो पूरा 100% हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अच्छा, तुम ये चीज को देखो एक्सेप्ट, मतलब कि यहाँ पर जो बच्चा फ्रेशर बच्चा आता है, हम फ्रेशर को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा एक्सपीरियंस होल्डर को करते हैं। दोनों को एक जैसे, तो हम उस जो फ्रेशर बच्चा होता है उसको साथ में लेके चल पाते कि नहीं चल पाते? चल पाते मतलब अभी ये जैसा फ्रेशर है और हम 7 साल से, हम दोनों एकदम इक्वल हो गए, अभी दोनों इक्वल हो गए, बाजू में आइए, बाजू में आइए जब इक्वल होंगे, अभी ये दोनों इक्वल हो गए, है ना सर। ऐसा नहीं है, ये मतलब 5 साल से काम करते हम नए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनका नॉलेज ज्यादा हो गया हमारा कम है, अभी हम लोग नॉलेज में एकदम बराबर है ना। और थोड़ा आप वहाँ जाके प्रैक्टिस करोगे, काम करोगे, है ना, प्रॉपर जो टूल है आप प्रॉपर टूल पे काम करोगे, प्रॉपर टूल पे काम करोगे तो इनके जैसे हो जाएंगे सर। वैसे करना प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर हाथ से जो आया है वो सब निकल जाएगा। अभी घर जाने के बाद जो आपका 24 घंटे का ड्यूरेशन होता है एक दिन का, है ना, समय होता है, तो कितना घंटा इस फील्ड को देना होगा जब हम जाके प्रिपेयर होंगे सर? घर पे जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा जितना टाइम दे दी उतना ही कम है सर प्रैक्टिकल के लिए। यहाँ का जो नजरिया है सर, सर यहाँ का जो नजरिया है और जो मतलब सिखाने का काम सिखाने का तरीका है, जो तजुर्बा है, वो हर जगह नहीं मिलेगा। हमारे साथ एक और हैं, नाम है इनका रुस्तम, और ये भी काफी समय से इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में थे। पूरे आपका हार्डवेयर का आज आखिरी दिन है ना, इसके बाद आपका MMC का सेशन चालू होगा, है ना, सत्र चालू हो जाएगा MMC का, तो बताइए कि आपका हार्डवेयर का अनुभव कैसा रहा, और शॉर्टिंग की हमारी क्लास जो थी हमारी हाफ शॉटिंग फुल शॉटिंग डेड को डायग्नोज करना, तो कैसा रहा आपका? सबसे बेहतर चीज सर ये मैं बता दूं कि कोई फ्रेशर हो या, सबसे पहले कंपोनेंट लेवल का जानकारी जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर हम अच्छा से फेसिंग भी नहीं कर सकते। और कभी कभी क्या होता है कि एक छोटा सा जुड़ा कंपोनेंट 1000 या 1500 तक का बहुत ज़्यादा इनकम दे सकता है रिपेयर का फील्ड में। तो मेरे हिसाब से ये मेरा बहुत बेहतर अनुभव रहा कि जो मुझे ये कंपोनेंट लेवल का जानकारी मिला, वही फर्स्ट डे में बात, उसके बाद ट्रेसिंग का अनुभव हुआ और बाकी IC वगैरह कैसे, जैसे पावर सिस्टम का हुआ, पावर IC हुआ या DC to DC IC हुआ, तो हम लोग पहले अनुभव पे सोचते थे ये नहीं हुआ ये कर लो, टाइम कंज्यूमिंग, और कभी कभी क्या होता था कि होता भी नहीं था, लेकिन आज ये जानकारी हुआ कि हमको कैसे फाइंड आउट करना है कि हमारा DC to DC काम कर रहा है या नहीं, उसको रिप्लेस करना है या नहीं, PN जो है इसको हमको कैसे चेक करना है, ये सारा चीज़। प्लस शॉर्टिंग का बात करें सर, तो कभी कभी क्या होता था कि हम लोग यानी पहले जो हम काम कर रहे थे उसमें ये होता था कि जो हमारा CPU सेक्शन का हो या LDO सेक्शन का, वहाँ हम लोग डायरेक्टली जो है कहीं मतलब जहाँ नहीं शॉर्ट किलर यूज़ करना चाहिए था वहाँ हम लोग यूज़ करते थे, जिसका रीज़न होता था कि हम चाहते भी उस सेट को नहीं कर पाते थे, शॉर्टिंग हटने के बाद वो ऑन नहीं हो पाता था क्योंकि वो हमारी जानकारी का अभाव था।
आज मेरे को ये मिला कि हमको कहाँ जो है अपना गलती सुधारना चाहिए था, कहाँ हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बाकी सर सारे सप्लाइयों का अनुभव हुआ, प्लस डीसी मशीन का जो जानकारी मिला, रीडिंग का उसका, इससे बहुत हेल्प मिलेगा कि हम जो है फाइंडिंग कर पाएंगे, ट्रेसिंग कर पाएंगे कि हमारे सेट में सॉफ्टवेयर इशू है या हार्डवेयर इशू है, बकलाइन क्या होते हैं, एडियो सेक्शन का वोल्टेज क्या होता है, ये सारा चीज़ सर बहुत ही जानकारी मिला। इसके लिए हम सर थैंक्स बोलेंगे सारे जितने भी हमारे टीचर्स हैं और एशिया टीम। थैंक यू। मेरे साथ एक और है, आ जाइए निहार, शॉटिंग की क्लास के बारे में बताइए। जी सर, शॉटिंग का क्लास था एकदम मस्त था। सारे जो फॉन्ट था हम सिर्फ क्या करते थे, डीसी था उसमें हम तो ज्यादा करते, बैटरी कनेक्टर में दे देते, उसके बाद हमारा आईसी उड़ जाता, शॉर्ट तो जाता है ना देता वो बात क्या बात है, लेकिन हमारा आईसी ही चला जाता। लेकिन आज हमें ये नॉलेज मिला कि कौन सी लाइन में कितना वोल्टेज डालने पर शॉर्ट ऑटोमेटिक जाएगा, लेकिन हमारा आईसी भी खराब नहीं हुआ। अपन डायग्नोस करने से एंड तक का अभी कोई सी ऐसी चीज हमारी इस क्लास में मिस हुई है क्या? नो नो सर। और स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हूँ जी सर, मैं बात तुम्हारी नहीं पूरी क्लास की कर रहा हूँ। पूरी क्लास में सर एक एक लड़के को जिसको भी नहीं हुआ उसको सर आपने लाके ये फ्रंट सीट में बैठा के उसका काम उनके हाथ से ही करवाया। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। आकाश। आकाश, आकाश दीप, कैसा अनुभव रहा आपका? आप भी लंबे लंबे समय से थोड़ा काम कर रहे थे स्कूल में, है ना? तो कैसा अनुभव रहा अभी आपका? बहुत बढ़िया सर, बहुत मस्त है सर। पहले सर क्या कर रहे थे, कुछ जैसे कर रहे तुक्के में काम हो रहा था, अब सर तुक्के में काम नहीं होगा, अभी प्रॉपर वे में काम होगा सर, पूरा कॉन्फिडेंस में कि क्या करना है मुझको, कहाँ पे प्रॉब्लम है, निकाल के काम सॉल्व कर सकते हैं सर पूरा सही से। चलिए ठीक है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका मनमोहन, बताइए कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया था। मतलब क्या पोजीशन पहले थी और अभी की क्या पोजीशन है? तो प्रोफेसर हूँ अभी, तो लग रहा है कि यहाँ मैं काम कर रहा हूँ 10 साल से। तो अभी आपने कितने हैंडसेट चालू किए हैं ईमानदारी से? सारे सेक्शन के मिला 4-5 सेट चालू किए हैं। 5 सेट चालू किए और आपने डेड सेक्शन में कितने डायग्नोज देखे थे? आपने कितनी केस हिस्ट्री देखी थी यहाँ पर? और हमारे साथ तो ओवरऑल कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया। ओवरऑल कैसा रहा आपका? मतलब अभी अभी अगर बात करें अपन हॉप शॉट, फुल शॉट या माइनर हो या लीकेज हो या किसी भी प्रकार का कोई शॉटिंग हो तो वो अपन निकाल सकते कि नहीं? निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, इजी गोइंग निकाल सकते हैं। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, थोड़ा सा नाम बता दीजिए। मेरा नाम हितेश कुमार है सर, मैं यूपी। हितेश कुमार यूपी से। हितेश कैसा अनुभव रहा भाई आपका? मोबाइल जो है मानो सर उंगलियों पे हो गया, 4-5 वोल्ट है, वही अगर डायग्नोस कर दिए तो पूरा अच्छा। तो अपन ने डेड सेक्शन को एक थोड़ा एक कॉन्सेप्ट को इजी किया कि नहीं किया? सर बहुत इजी किया। मतलब ये खाली अनुभव आपका है कि सारी क्लास का है? क्योंकि मैं सबका रिव्यू तो नहीं ले सकता, इतना समय नहीं है कि सबका रिव्यू ले लूं। ओवरऑल सभी क्लास, पूरी क्लास का, पूरी क्लास का अच्छा रहा। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, गगन है भाई, गौरव, गौरव बताइए कैसा अनुभव रहा आपका डेट सेक्शन का? बढ़िया अनुभव रहा सर, कुछ बातें ऐसी थी जो हम एस्टिमेटेड लगाते थे हर बट लग रहा है प्रॉपर में शॉटिंग की प्राइमरी सेकेंडरी दोनों लाइन की प्रॉपर नॉलेज हो गई है। जहाँ से जब हम सेटअप शॉप पर जाकर वो करेंगे तो जो साथ लाए हैं उनमें से 2-3-4 जो भी कर पाए हैं बहुत बढ़िया है, जो उसके बाद अपन शॉप पर जाकर करेंगे तो उससे थोड़ा अच्छा अनुभव होगा, अच्छा बढ़िया बना लगेगा, अच्छा लग रहा है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका अवधेश, अवधेश आइए। अवधेश कितने हैंडसेट डायग्नोस करे तुमने पर्सनली तुम्हारे? सर मैंने 4-5 किए। 4-5, क्या रिजल्ट निकला? सर कुछ का आईसी मिसिंग था, वो मैं दूसरे में से निकाल के लगाया, वो ऑन हो गया है। एक 5A का था उसमें भी फॉल्ट था, वो डायग्नोस करके सही हो गया, लाइट और ग्राफिक दोनों खराब। तो अवधेश एक बात बताइए मेरे को कि अगर पढ़ाने के बाद अगर आपको रिजल्ट आ रहा था इसका मतलब क्या हुआ? ये सब पढ़ाया गया बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया और मैं इसीलिए यहाँ पे आया था। मैंने बहुत से जगह पे बात किया था, वीडियो भी देखता था अदर इंस्टीट्यूट की, लेकिन देव सर जितना डीप जाके पढ़ा बताते थे उतना डीप कोई नहीं आता। तो उनकी ही बदौलत है कि आज हम जब प्रैक्टिकल क्लास में बैठे हैं तो सारी की सारी चीज वरना नहीं हो पाता। एक भाई देव सर के लिए थैंक्स बोल दो भाई।
एक बार देव सर के लिए बहुत बहुत तालियां आप। यस सर। आपके साथ इतने दिन मेहनत करी है, उसके मेहनत का रिजल्ट है कि आप इजी गोइंग काम कर पा रहे हो। सबका रिव्यू नहीं उठा सकता भाई, है ना, सबका रिव्यू नहीं उठा सकता, पर बाकी देव सर की बदौलत ही आप, है ना सर, तो बहुत हेल्प किया। एक और स्टूडेंट है, नाम है उनका विष्णु। विष्णु, देव सर के साथ का आपका अनुभव शेयर कीजिए आप थोड़ा। देव सर इस लाइन पे अभी तक बहुत मैकेनिक देखे, लेकिन देव सर जैसा नॉलेज मुश्किल है देखना, देखी नहीं उतना तो देखी नहीं है। यहाँ पर आके पता चला कि किस लेवल तक पहुँच सकता है ये काम जो है। अभी तक तो सिर्फ ऊपर आईसी चेंज का नहीं, ये सब होता था पेड लाइन का जानकारी, ये तो हम तो मार्केट में देखे ही नहीं थे अपने एरिया में। बहुत सारा मैकेनिक देखे यहाँ से लेकर कलकत्ता तक, उस तरह का नहीं देखे तो। यहाँ पर आके पता चला कि पेड लाइन क्या होता है और उसका लाइन कैसे सप्लाई वगैरह कैसे ट्रेस किया जाता है ना। अच्छा, उनकी ही बदौलत है कि उनका जैसा नॉलेज हम अभी तक मैंने मैकेनिक में नहीं देखे थे अपने 10 साल के करियर में, नहीं देखे और देखा भी नहीं था। और यहाँ आए तो मतलब वो आपने पाया कि नहीं वो चीज, हम सोचे ही नहीं था कि इतना डीप तक हम जान पाएंगे कभी। तो भाई लोग, आपकी फीस वसूल हुई कि नहीं ये बताओ। बात पैसे के करे जनता क्या जानती चाहती है कि भाई मैं वहाँ पढ़ने जा रहा हूँ, अपना पैसा लगा रहा हूँ, है ना, जो भी मैं फीस दे रहा हूँ एक्स वाई जेड जो भी फीस हो मेरी, तो आपकी फीस वसूल हुई कि नहीं हुई। रात में आपने जग के पढ़ाई करी है, वो वसूल हुआ कि नहीं हुआ। बिना मेहनत के कुछ भी काम होता है बताओ मेरे को। तीन साढ़े तीन चार बज जाते हैं सोने के लिए, पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो मैं बोलना चाहता हूँ जो देव सर का नॉलेज है वो हमको पूरा दे रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं रखते। और एक बात बोलना चाहता हूँ, देव सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन एक उंगली में कुछ नहीं होता है। तो हमारा जो यहाँ का जो पूरा स्टाफ है एशिया टेलीकॉम का, वो सब मिलके हमको सपोर्ट करते हैं। देव सर तो पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे जो प्रैक्टिकल में MD सर है, दीपक सर है, हमारा जो सॉफ्टवेयर के सर दुर्गेश सर है, वो सब बहुत अच्छे है। क्योंकि एक मुट्ठा हम ऐसे करेंगे तो कुछ चीज को हम पकड़ पाएंगे, बराबर है। तो एशिया टेलीकॉम ऐसा ही है, तो पूरा मुट्ठा भरो और पकड़ो। और देव सर तो उनको मैं भगवान मानता हूँ, क्योंकि मैं आगे तो 2015 से उनके मैं गुरु मानता हूँ उनको, और आज उनके साथ जो मैं मिला हूँ तो वो मेरे गुरु हो गया और मेरे भगवान की तरह हो। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है अख्तर जमीन, आइए अख्तर थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और बात कीजिए कि आपको हार्डवेयर के जो मेन लीड किया है, देव सर ने मेन लीड किया है आपको, है ना, यहाँ प्रैक्टिकल क्लास हुई है बट बाकी मेन लीड आपको देव सर ने किया है, तो बहुत कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? बहुत अच्छा रहा सर, देव सर का सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा। और एक देखो, देव सर इस एशिया टेलीकॉम के आनर भी है, और आनर होने के साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि वो टीचर भी है। तो आप कभी जीवन में ऐसे इंसान से पढ़ना चाहेंगे जो आनर भी है और टीचर भी है? तो उनमें आनर वाली चीज लगी क्या आपको? आनर वाली चीज ज्यादा लगी कि टीचर वाली चीज ज्यादा लगी? टीचर वाली। अपने काम के प्रति डोमिनेट है वो, मतलब एक एक क्षण जब आपकी 6 घंटे 7 घंटे की लगत क्लास हुई है आपकी, लगत क्लास में कभी आपको ऐसा लगा कि उनके एनर्जी लॉस इंसान है वो? है, तुम्हारा पढ़ने वालों का एनर्जी कम हो जाता था, उनका एनर्जी कम नहीं होता था। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका निजामुद्दीन, ये है बेसिकली बेंगलोर से। निजामुद्दीन, एज ए फ्रेशर आपका क्या क्या अनुभव रहा भाई? अच्छा लगा, अगर कोई बेंगलोर से आना चाहे तो बिंदास आ सकता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, आइए आइए राहुल। राहुल, आप भी भाई इस लाइन में फ्रेशर थे, कैसा अनुभव रहा भाई? सर बहुत बढ़िया, मतलब जो अभी यहाँ पर आकर जो पुराने से एक्सपीरियंस वाले सीख रहे ना, उतना लॉज हमको अभी मिल गया ना 1 महीने में। तो कॉन्फिडेंस है? हाँ सर, पूरा कॉन्फिडेंस है। आप जाके बिल्कुल धूम मचा सकते हैं, मार्केट में दुकान डाल सकते हैं, काम कर सकते हैं, हैंडसेट बना सकते हैं। सर फोन हाथ में आएगा तो देख लेंगे, सीधे पता चलेगा।
सीपीयू कैसे रिवॉल्व करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने की। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग क्लीनिंग और रिवॉल्विंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया? सीपीयू डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस? सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you, that's